जिले में लगातार कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला कर चुका है। जिले में 4 और 5 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं प्रत्येक रविवार को भी लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से पूरी तरह से अप्रभावित रहेगी, तो वहीं गंभीर बीमार व्यक्ति चिकित्सक की पर्ची के साथ अस्पताल में आ जा सकेंगे। सरकारी कार्मिक और निजी संस्थाओं में काम करने वाले आईडी कार्ड से अपने कार्यालय में आ जा सकते हैं। सार्वजनिक यातायात भी पूरी तरह से बंद रहेगा, तो जरूरी काम से शहर से बाहर जाने वालों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। पार्कों में प्रातः 10 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भ्रमण किया जा सकता है। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा शनिवार को प्रदेश भर में सादगी के साथ मनाया गया। कोटा सहित हाड़ोती में मुस्लिम जनों ने घरों और मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं मांगी गई। कोटा में भी बकरीद मनाई गई। कोटा में शहर काजी अनवार अहमद की अपील के बाद मस्जिदों में 5-5 जनों के द्वारा नमाज पढ़ी गई, तो वहीं अधिकतर लोगों ने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा कर खुदा की इबादत करते हुए कोरोना को खत्म करने और देश भर में अमन चैन की दुआएं मांगी। शहर काजी अनवार अहमद ने कुर्बानी का महत्व बतलाया, तो सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उधर झालावाड़ जिले में भी ईद उल जुहा का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। झालरापाटन के ईदगाह परिसर में शहर काजी असगर अली ने जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। तैयारी सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ईद उल अजहा की त्यौहार नमाज बहुत खूबी पाए तकमील को पहुंचा और ईदगाह में भी सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए 5 आदमियों के साथ नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। और गुजारिश है आवाम से भी कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ईद उल अजहा की त्यौहार मनाएं और कुर्बानी की जो वाजिबात है उसको अदा करें। तो वहीं 12 में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ईद का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। शहर सहित जिले भर की मस्जिदों में ईद की नमाज संपन्न हुई, जिसमें नमाजियों के द्वारा ईद की नमाज अदा की गई और उसके पीछे 5 नमाजियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन और देश पर आई कोरोना जैसी आपदा से लोगों की हिफाजत के लिए और इसके खात्मे के लिए दुआ मांगी। अंदर हमारे देश के अंदर एक वैश्विक महामारी कोरोना आई हुई है। अब उस कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइन सरकार की आई थी उसकी पालना मुस्लिम समाज ने पहले ईद उल फितर पर भी की थी और ईद उल जुहा जो आज है आज भी उस हिसाब से की है। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रोजरी गांव में शराब के नशे में एक युवक फांसी के फंदे पर लटक गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता लगने पर परिजन युवक को MBS अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। शनिवार सुबह आरकेपुरम थाना पुलिस के द्वारा मृतक पिंटू का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। रोचड़ी निवासी पिंटू शराब का आदी था और आए दिन अधिक मात्रा में शराब पिया करता था। ऐसे में नशे में वह घर में फांसी का फंदा लगाकर लटक गया। घटना का पता लगने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की सहायता से युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शराब का आदी होने के कारण कुछ वर्षों पूर्व पिंटू की पत्नी भी इससे अलग हो गई थी। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। 4-5 बजे सूचना आई थी कि आंवली रोजड़ी में कोई लड़के ने फांसी लगाई। सूचना पर मैं रवाना होकर गया। वहाँ घटनास्थल पहुंचने के बाद में श्रीमान SO साहब को भी सूचना दी। हमारे थाना अधिकारी महोदय भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में उसको नीचे उतरवा कर MBS कोटा लाए, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था मृतक का? क्या मृतक का नाम? पिंटू सनो श्यामलाल जाति तेली, उम्र 24 साल, निवासी रोजड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय प्रवास पर कोटा अपने गृह नगर आए हुए हैं। उन्होंने पहले दिन अपने शक्ति नगर आवास में स्थित कैंप ऑफिस में